सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो पर कभी किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, मन से अभ्यास करने से हर कार्य संभव हो जाता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। आज का पंचांग 10 जून 2021, दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:06 से 3:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर रात्रि 1:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 10 जून 2021, दिन गुरुवार, अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ कानूनी मामलों को सुलझाएं। परिणाम आपको खुश कर देंगे। आध्यात्मिक और बौद्धिक कार्य में मन लगेगा। अगर मौका मिले तो अपने माता पिता या सलाहकार के साथ लघु यात्रा पर जाएं और परामर्श लें। आपको जल्दी शानदार नतीजे मिलेंगे। अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ कानूनी मामलों को सुलझाएं। परिणाम आपको खुश कर देंगे। आध्यात्मिक और बौद्धिक कार्य में मन लगेगा। अगर मौका मिले तो अपने माता पिता या सलाहकार के साथ लघु यात्रा पर जाएं और परामर्श लें। निरस्ता से प्यार की ओर जाने के लिए आज का दिन शुभ है। जीवन के सभी क्षेत्रों से मिला संतोष आपको आनंदित रखेगा। आज जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास करें। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधित योजनाएं बनेगी तथा खुशी भरा वातावरण रहेगा। कोई व्यक्तिगत काम भी सफलतापूर्वक संपन्न होगा जिससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः महसूस होगा। आज का दिन बदलाव के नाम भी रहेगा। आपकी मुलाकात ऐसी किसी आदमी से हो सकती है जो आपकी जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का या तो खुद कारण बनेगा या बदलाव लाने वाले लोगों से मुलाकात का माध्यम बनेगा। हालांकि सभी बदलाव आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। इससे पहले कि आप बदलाव को स्वीकार कर आगे बढ़ें, आपको यह भी देखना होगा कि क्या यह बदलाव आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित होंगे। किसी भी बात में अधिक आत्मविश्वास रखना आपके लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। जरूरत से अधिक रिस्क न लें। कायदे के दायरे में रहकर ही काम करने की आवश्यकता होगी। लोगों के स्वभाव का गलत फायदा उठाने से भी परहेज रखना होगा। मेटल से जुड़े काम में उतार चढ़ाव नजर आएगा लेकिन इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं होगा। पार्टनर के साथ हो रहे झगड़ों को तुरंत मिटाने की कोशिश करें। पेट की जलन समस्या का कारण बनेगी। मसालेदार पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि कोई मामला अदालत में है तो आज स्थिति पक्ष में हो सकती है। यदि कोई नया मुद्दा दाखिल करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। इस बात की सावधानी रखिएगा कि आपका वकील पितृ दोष वाला बिल्कुल ना हो। आज के दिन अगर आपको साधारण लग रहा है तो धीरज रखिए। चार्टर अकाउंटरों को आज आपको खास सावधानी भी रखनी है। सावधानियां, तुरंत यह भी ध्यान रखें कि किसी पर जल्दी विश्वास करने और भावुकता की वजह से आपको धोखा मिल सकता है। परिस्थितियों पर कड़ी नजर रखें। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का चयन ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की।
आप हर चीज में माहिर है, फिर वो बात चाहे व्यवसाय की हो या रोमांस की। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को हमेशा अपने दिल में रखें। आज आपका झुकाव धर्म और परिवार की तरफ अधिक होगा। आपके किसी शिक्षक, ट्रेनर या मेंटर को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। जैसे जैसे आप प्रेम की दुनिया में कदम आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे आप खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन से भी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। इस समय यौन जरूरतें आपकी प्राथमिक, किंतु जो लोग सच्चे प्यार में हैं, उनके लिए यह केवल अपने प्यार को दर्शाने का एक तरीका है। आपके करीबी दोस्त आज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। यह मौखिक नहीं बल्कि क्रियाकलापों के माध्यम से होगा। यह बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है, ऐसी बातों के प्रति सचेत रहें। यह भी हो सकता है कि यह दोस्ती प्यार में बदल जाए, तुरंत प्रतिबंध ना हो। यह एक मुंह हो सकता है, इसलिए और संकेतों की थोड़ी प्रतीक्षा करें। बात करते हैं करियर की। आज आपके सितारे आपके कार्य स्थल पर प्यार की ओर संकेत कर रहे हैं। अत्यंत सावधान रहें, एक गुप्त काम आपके और आपके साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है। आप अपने साथी को गोपनीयता के कारणों को समझाने की कोशिश करें और वे आपका समर्थन करेंगे। आपका विद बढ़ेगा और उसमें संतुलन रहेगा। धर्म और ज्ञान के लिए यात्रा भी कर सकते हैं, जिसमें आपके शिक्षक या गाइडर आपकी मदद करेंगे। समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको हर जगह सम्मान दिलाती है। अपने उद्देश्यों के अनुरूप योजनाएं बनाएं। आज दुर्घटना या अन्य परेशान करने वाली परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। आज आप उदासीनता को छोड़कर प्यार के सागर में गोते खाने वाले हैं। अपनी मानसिकता को बदलें और इस जीवन का मजा लें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ अलग करें। जीवन के सबसे बड़े खुशी इन कामों को करने में है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हम यह नहीं कर सकते। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को अब बखूबी निभाएंगे, परंतु समय अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन बनाकर रखें। ऑफिस में आपके उचित कार्यों के उचित अधिकारियों के द्वारा सराहना भी होगी। बात करते हैं सेहत की। अपने खानपान तथा दिनचर्या को पूर्ववत ही व्यवस्थित रखें। छोटी लेकिन निरंतर बनी रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूरे दिन तनाव बना रहेगा। आप वैकल्पिक चिकित्सा के कुछ तरीके अपना सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। आज जंक फूड से बचें, इससे तनाव भी बढ़ेगा। आपको हर प्रकार के स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान देना होगा। योग और ध्यान से भी विशेष लाभ होगा। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।